हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ एक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ जो कि इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। इसे मैं अंगरखा पैटर्न में बनाने वाली हूँ और ये एक रैप स्टाइल ड्रेस होगी, तो आप इसे अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। समर के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट ड्रेस है, तो आप लोग इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और अपनी पिक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ जा करके मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि व्यूज़ तो इतने सारे आते हैं लेकिन पता नहीं क्यों हमारी फैमिली बढ़ नहीं रही है, तो बढ़ाइए थोड़ा, हमारी फैमिली भी बड़ी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैब्रिक देख लेते हैं। तो ये मैंने रेयॉन कॉटन का फैब्रिक लिया है और ये मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। जो हमारा फैब्रिक था इसे मैंने पूरा खोल के इस तरीके से 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। पहले हम घेरे की कटिंग करेंगे क्योंकि फैब्रिक हमारा कम है, तो घेरा कट करने के बाद जो साइड से फैब्रिक बचेगा उसमें से हम अपने अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। और इसके घेरे की कटिंग हम अम्ब्रेला पैटर्न में करेंगे। ये वाली खुली साइड है, ऊपर की तरफ ये बंद साइड है। अब दूसरे कॉर्नर से, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरीके से कपड़े को हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे जैसे हम अपने अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं। ट्रायंगल शेप में फोल्ड करने के बाद ये हमारा फैब्रिक यहाँ से 4 फोल्ड हो गया है। अब यहाँ ऊपर की तरफ हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेजरमेंट है आप उसे पहले 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 4 से डिवाइड करने के बाद 7 आता है और इसमें मैं 2 इंच और प्लस करूँगी, तो ये हो जाता है 9 इंच। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से मेजरिंग टेप को रखूँगी और 9 इंच जहाँ पर आएगा मार्क कर लूँगी। इसके बाद मेजरिंग टेप को ऊपर कॉर्नर पे रखेंगे और देखेंगे कि ये हमारा 9 इंच कहाँ आ रहा है, तो ये 12 इंच पे आ रहा है। अब मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे ही रखते हुए, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, सेम उसी तरीके से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हमें मार्क कर लेना है 12 इंच पे, और इन सारे मार्क को मिला करके कॉर लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये हमारी वेस्ट की मार्किंग हो जाएगी। अब ये जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है, यहाँ से हम अपनी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे मैं लेंथ इसकी 30 इंच ले रही हूँ, क्योंकि ये हमारा जो फैब्रिक है यहीं तक फोल्ड है। इसके आगे अगर हम लेंथ लेंगे तो हमें जोड़ डालना पड़ेगा। अगर आपको लेंथ ज़्यादा लेनी है तो आप जोड़ डाल सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि कैसे कट करते हैं और कैसे जोड़ लगाते हैं। इसके बाद मेजरिंग टेप को यहाँ पर कॉर्नर पर रखेंगे ऊपर की तरफ और देखेंगे कि ये जो हमने 30 इंच पे मार्क किया था वो कितने इंच पे आ रहा है, तो ये 42 इंच पे आ रहा है। अब मेजरिंग टेप को ऊपर कॉर्नर पे ही रहने देंगे और पूरे में घुमाते हुए हम 42 इंच पे मार्क कर लेंगे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। अब इन सारे मार्क को मिला करके हम कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो हमने मार्क लगाया है इसी मार्क के ऊपर हम कट कर लेंगे। ऊपर जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है इसको अभी हम नहीं कट करेंगे। घेरे की कटिंग करने के बाद अपर पार्ट की कटिंग पहले मैं पेपर पे करूंगी और इसको ही रख करके फैब्रिक कट करूंगी ताकि हमारा फैब्रिक वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो ये मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ, आपका जितना होगा आप उतना लीजिएगा। इसके बाद 6 इंच पे मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी और ऊपर शोल्डर से इस तरीके से मिला दूंगी। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद मेरा 8.5 इंच आता है, तो ये मैंने इसे मार्क कर लिया है और यहाँ से अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब अपर पार्ट की लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो मेरी जो तैयार लेंथ है वो 14 इंच है और ये पेपर भी 14 इंच है। फैब्रिक में जब मैं कट करूँगी तो 1 इंच प्लस कर लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेजरमेंट है पहले आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में डिवाइड करने के बाद 7 आता है। अब इसमें 1 इंच और प्लस करेंगे डॉट्स के लिए, तो ये मैंने 8 इंच पे मार्क किया है। और ऊपर जो ये चेस्ट की मार्किंग की थी वहाँ से नीचे जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है उसे इस तरीके से मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक की जो चौड़ाई है वो मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इसकी जो गहराई है वो मैं 4 इंच पे मार्क करूँगी और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें हमारा नेक का शेप ड्रॉ होगा और यहाँ पे हम इसके आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम 1 से 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो पहले मैं यहाँ पे राउंड नेक मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम अपनी टक्स की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है आप उसे 10 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 3.4 इंच आ रहा है, तो मैंने मार्क कर लिया है। अब ऊपर शोल्डर के पास से हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद ये जो हमने 3.4 इंच पे मार्क किया है और ऊपर 10 इंच पे मार्क किया है, दोनों को स्ट्रेट लाइन में मिला लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये मैंने इसे कट कर लिया है और अब हम इसे ओपन कर लेंगे। और ये जो हमने नेक का शेप ड्रॉ किया है इससे आगे की तरफ हम 5 इंच पे मार्क करेंगे।
और ये जो 5 इंच हमने मार्क किया है उससे नीचे की तरफ 4 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद ये जो हमने नेक का शेप ड्रॉ किया है इसे आगे ले जाते हुए इस पॉइंट पे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, मिला देना है। अगर आपको इतना ही रखना है तो ठीक है, लेकिन मुझे ये थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा और नीचे ले जाऊँगी। तो मैं इसे 1 से 1.5 इंच और नीचे की तरफ सेम ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर लूँगी, 1 इंच और नीचे। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये जो हमने मार्किंग की है नेक की, अब हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। तो ये मैंने अपर पार्ट के फ्रंट पीस की कटिंग कर ली है और फ्रंट के लिए हमें 2 सेम ऐसे ही पीस कट करने हैं फैब्रिक में। तो इसके लिए हमारे घेरे की कटिंग करने के बाद जो ये साइड से कपड़ा बचा था उसमें मैंने ये ड्राफ्ट रख लिया है और आप देख सकते हैं नीचे की तरफ मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। और अब इस ड्राफ्ट को ही रख करके मैं ये फैब्रिक कट कर ले रही हूँ। तो ये कटिंग हो गई है, अब इसको ही रख करके हम दूसरा पीस कट करेंगे। दूसरे पीस को कट करते समय हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि दोनों पीस की सीधी साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे को फेस करते हुए होनी चाहिए, नहीं तो हमारा जो दोनों पीस है एक ही साइड का कट जाएगा। तो ये जो मैंने पहला पीस कट किया था उसको इस तरीके से बिल्कुल बराबर से फैब्रिक के ऊपर रख लिया है, दोनों पीस की सीधी साइड अंदर की तरफ है। अब इसको ही रख करके सेम ऐसे ही मैं दूसरा पीस कट कर लूँगी। तो ये देखिए, ये फ्रंट के मैंने दोनों पीस कट कर लिए हैं और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद हम बैक पीस की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमने ड्राफ्ट कट किया था उसे सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके बिछा लिया है और दोनों की जो फोल्डेड साइड है एक तरफ रखेंगे। वन साइड दोनों की एक तरफ मैंने रखी हुई है और नीचे से मैंने इसमें भी 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको ही रख करके मैं इसे कट कर लूँगी। अब यहाँ पे बैक के आर्म होल का शेप हमें ड्रॉ करना है, तो 1/2 इंच ऊपर से मैं यहाँ पे बैक के आर्म होल का शेप ड्रॉ कर ले रही हूँ, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से। और अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये मैंने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं नेक की मार्किंग करूँगी। तो ये नेक की मार्किंग के लिए मैंने 1 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी और इसे कट कर लूँगी। तो ये हमारी सारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम अपर पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमने टक्स का निशान लगाया था उसे स्टिच करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मली यहाँ पे प्लीट्स बनाते हैं उसी तरीके से फ्रंट और बैक दोनों में बना लेना है। और ये मैं पहले भी कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ तो यहाँ पे इन डिटेल में नहीं बता रही हूँ। ये जो बैक का पीस था देखिए, इसमें मैंने इस तरीके से दोनों प्लीट्स बना ली है और ये जो फ्रंट का पीस था फ्रंट के भी दोनों पीस में मैंने इस तरीके से ये प्लीट्स बना करके इसे तैयार कर लिया है। अब हम इसका शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये जो हमारा बैक का पीस है इसकी सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखा है और इसके ऊपर ये जो हमारा फ्रंट का पीस है उसको रखेंगे। फ्रंट के पीस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, मतलब फ्रंट और बैक दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है। दोनों पीस को जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पे हम शोल्डर स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने शोल्डर अटैच कर लिया है और अब हम इसकी नेक लाइन और आर्म होल स्टिच करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये और पट्टी कट की है। अब इसको हम अपने नेक के चारों तरफ अटैच करेंगे। तो फ्रंट के एक पीस से स्टार्ट करते हुए बैक से घुमाते हुए वापस से फ्रंट के दूसरे पीस में लाएंगे और ये देखिए इस तरीके से घुमाते हुए हमें इसे पूरे नेक लाइन पे अटैच कर लेना है और आर्म होल पे भी इसे इस तरीके से रखते हुए हम पूरे में स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ। तो ये देखिए, ये मैंने इसे इस तरीके से स्टिच कर लिया है और अब मैं इसे पूरा, ये जो पट्टी मैंने अटैच की है अंदर की तरफ, इसको पूरा फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ से इसे एक और बार अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम तुरपन कर लेंगे, जैसे नॉर्मली हम अपने नेक लाइन को बनाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, सेम इसी तरीके से ये जो आर्म होल है उसे भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक और बार फोल्ड करके इसके ऊपर हम तुरपन कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने आर्म होल पे और नेक लाइन पे तुरपन कर लिया है और ये हमारी सारी पीस इस तरीके से तैयार हो गई है। अब ये जो एक पीस है फ्रंट का उसे हम बिल्कुल बराबर से इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर फ्रंट के दूसरे पीस को रखेंगे और इसे पहले हम यहाँ से पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि जब हम इसकी साइड की स्टिचिंग करें तो ये हिले नहीं। अब इसको उल्टी साइड पे टर्न करेंगे और इसमें अब हम साइड की स्टिच लगाएंगे। तो दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर से रखेंगे और यहाँ पर दोनों तरफ हम साइड की स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने साइड की स्टिच कर ली है, अब इसको हम सीधी साइड पर टर्न कर लेंगे और सीधी साइड पे टर्न करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब ये जो हमने पिंस लगाए थे उनको हम रिमूव कर लेंगे। इसके बाद इसको पूरा ओपन करेंगे और ये जो वेस्ट का एरिया है उसको मेज़र करके देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो ये देखिए, ये पूरा 40 इंच आ रहा है। इसके बाद जो हमने ये स्कर्ट की कटिंग की थी इसको लेंगे और यहाँ पर हमने जो वेस्ट की मार्किंग की थी अभी हमने इसको कट नहीं किया है,
अब हम इसको मेज़र करके देखेंगे कि ये हमारा जो हमने मार्क किया है कितना है। तो ये देखिए पूरा पूरा 10 इंच आ रहा है और ये 4 फोल्ड है, मतलब ये भी 40 इंच है, तो बिल्कुल बराबर है। अगर आपका कम ज़्यादा हो तो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिए और यहाँ से इसे कट कर लीजिए। तो ये हमारे स्कर्ट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसको हम अपने अपर पार्ट में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले ये इसे इस तरीके से मैं खोल लूँगी, ये पूरा 4 फोल्ड है, पहले मैं इसे खोल के पूरा बिछा लूँगी। इसके बाद ये जो हमने अपना अपर पार्ट तैयार किया था उसे लेंगे और उसे भी पूरा खोल लेंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और इसकी वेस्ट लाइन को और स्कर्ट की वेस्ट लाइन को बिल्कुल बराबर से रखते हुए पूरे में हमें वेस्ट लाइन से स्टिच कर लेना है दोनों को। और ये मेरा स्कर्ट का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो ये मैं इसमें एडजस्ट कर लूँगी प्लीट्स बना करके। और पूरी अब दोनों की वेस्ट लाइन को पकड़ते हुए हमें पूरे में स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने इसे पूरे में स्टिच कर लिया है। इसके बाद जो हमारे फ्रंट के रॉयजेस हैं उसे हमें हेम करना है। तो इसको मैं इस तरीके से अंदर की तरफ 2 बार फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर पूरे में स्टिच लगा लूँगी। दोनों तरफ सेम इसी तरीके से हमें करना है। तो ये देखिए ये मैंने दोनों तरफ के रॉयजेस को हेम कर लिया है, डबल फोल्ड करके दोनों तरफ स्टिच लगा लिया है। अब इसके नीचे जो ये इसका घेरा है इसके रॉयजेस को हेम करने के लिए यहाँ पे मैं ये गोटा पट्टी वाली लेस अटैच करूँगी। ये ट्रायंगल शेप वाली जो गोटा पट्टी आती है वो मैंने लिया है। और इसको लगाने के लिए ये जो हमारी कुर्ती है उसकी सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है और इसके ऊपर इस लेस को रखूँगी और पूरे में स्टिच कर लूँगी। लेस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। तो ये देखिए ये मैंने पूरे में लेस को स्टिच कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमने लेस अटैच की है ये देखिए इस तरीके से है। अब इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पूरे में हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो मैं ये लगा लेती हूँ और अब इसे पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने इसे पूरा तैयार कर लिया है और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे फ्रंट पे मैंने ये लेस लगाई हुई है, अंदर की तरफ जो अंदर की तरफ साइड जाएगी यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल वाली किनारी वाली लेस लगाई है। पूरा नेक से लगाते हुए नीचे तक मैंने इसे स्टिच किया है अंदर की तरफ से। इधर वाली साइड में भी नेक से लेकर के नीचे तक पहले ट्रायंगल वाली लेस लगाई है और उसके ऊपर मैंने ये थोड़ी सी चौड़ी वाली लेस लगाई है। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसकी आइज़ बनाई है और इस तरफ मैंने ये हुक्स लगाए हैं। और आप इसे अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग पहन के देख लीजिए कि कहाँ आपको बटन मतलब हुक लगाना है, उस हिसाब से आप लगा लीजिए। और ये यहाँ पे इस तरीके से हुक बंद हो जाएगा। आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग 2-3 आइज़ बना सकते हैं और इसे टक कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ये डोरी ली है और ये आप यहाँ पर इस तरीके से बना करके ऊपर से भी टक कर सकते हैं। तो ये देखिए ये है मेरी कुर्ती का फाइनल लुक। बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी लग रही है। इसका फ्लेयर भी देखिए कितना सुंदर आया है क्योंकि हमने इसे अम्ब्रेला में कट किया था। तो अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, लाइक ज़रूर करिए। कॉमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे सजेस्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई कमी लगती है वीडियो में या कुछ और बताना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।